जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार परम वीतरता की गाथा है। परम वीतरता का मतलब किंचित मात्र लाभ उत्पन्न न हो। अनादिकाल से शरीर दिखाई देता है, इसलिए हमारी हिम्मत टूटती है कि मोक्ष कैसे जाएंगे। इस शरीर को देखने के हैबिचुअल होने से, आदि होने से ऐसा लगता है कि मुनि कैसे बनेंगे, इतनी ठंड पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, बता रहे नंगे पांव कैसे चलेंगे, इतनी बरसात हो रही, बताओ लोग सीत नहीं लग जाए, भला नहीं हो जाएगा। मन इस शरीर को प्रदान करके देखने, सोचने, अनुभव करने की आदत इस जीव को मोक्ष मार्ग में घना अंतराय डालता है। ध्यान से सुनना, मुनि नहीं बनना ये अंतराय नहीं है, मुनि नहीं बन पाना ये तो अंतराय का उदय है, लेकिन हम नहीं बन पाएंगे ये अंतराय, हम नहीं कर पाएंगे ये अंतरा है, हम रचना इंद्रिय के विषय को नहीं जीत पाएंगे ये अंतरा है। जिसको लोक में कहते हैं हार जाना उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन जीतने का प्रयत्न ही नहीं करना चाहते, हथियार सरेंडर कर देना ऐसी बात, हथियार डाल दी, ये भैया वो आ गए, ये भैया चूहा आ गए, ओ भैया चूहा चूहा सी, तुम चूहा को नहीं भगा पाओ वो अपराध नहीं था, लेकिन तुम तो चूहे के सामने हथियार डाल दिए। ये देह इसका परिचय बहुत है, इसको ठंड लगी तो हमें ठंड लगी बस, इसे गर्मी लगी तो हमें गर्मी लगी, सब लगा ना इसे। इसमें गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है। तो हम शुरुआत में यहां से शुरुआत कर रहे हैं, टीका में एक बहुत अच्छी बात आई है। जैसे कल्पना करो यहाँ दीपक का प्रकाश, दीपक जला दिया जाए यहाँ पर दीपक, तो उसे ठंड लगेगी नहीं लगेगी? दीपक है यहाँ पर, उसे ठंड लगेगी नहीं लगेगी, गर्मी लगेगी नहीं लगेगी? उसके सामने लड्डू रख दो तो दीपक लप लपाएगा कि नहीं लपाएगा? जैसे दीपक मात्र मात्र झलकाता है ये समझ लो, जैसे ज्ञान मात्र जानता है, व्याक मात्र जानता है, आत्मा मात्र जानता है, तुम्हें जहां ठंड की कल्पना हो रही वो वहां आत्मा है ही नहीं, जिसे ठंड लग रही वो आत्मा है ही नहीं, आत्मा उसका नाम है जिसे ठंड लगती नहीं। ये बार भेद विज्ञान करके देखो, जब तक भेद विज्ञान करके नहीं देखेंगे ना तो फिर बोले हो ये तो बातन है, बातन में कह लू बड़ी बड़ी बातें कर लू, वहां कह शास्त्र में लिखी कह लू, जब ठंड लगा तो मालूम पड़ जाए, फिर हम कह रहे तुम इधर देख के मत बोलो, इधर बैठ के मत बोलो, दीपक का दृष्टान दिया है, दीपक को रखो, बोलो दीपक का क्या होगा, अंधेरे में दीपक काला हो जाएगा बेचारा, क्या हो जाएगा दीपक का, बोलो ठंड लग जाएगी। जैसे दीपक को ठंड नहीं लगती, ऐसे आत्मा ज्ञान मूर्ति है, सुपर प्रकाशी है, उपयोगमयी है, उसे ठंड नहीं लगती। भेद विज्ञान करो, जिसे ठंड लग रही वो मैं नहीं हूं। अब ठंड किसको लग रही, शरीर को भी आत्मा को, किसको लग रही है, इतना शरीर को लग रही ना आत्मा को लग रही, हाँ ठंड मोह को लग रही, रात को लग रही है, कसायों को लग रही है, आत्मा को ठंड नहीं लग रही? ऐसे कैसे, आत्मा और कसाय दो अलग अलग है कि? हाँ, जैसे लड़का और लड़के को बुखार दो अलग अलग है, बुखार आने पर ठंड लगता है, लड़के को ठंड कहां लगती, नहीं तो बुखार आ जाए तो ठंड लगती है, तो बुखार को ठंड लग रही है, लड़का को नहीं लग रही। भूख किसको लगती है,
आत्मा को नहीं लगती। खैर बहुत चर्चा हुई इसमें, पहले अंतिम गाथा पढ़ रहा हूँ 382, फिर सुबह की गाथा फिर पढ़ेंगे वही, क्योंकि इस गाथा को हर गाथा के बाद गाना है, ये समझो हर गाथा के बाद क्या कहना है। यह जान कर भी मूढ़ जीव, यह जान कर भी मूढ़ जीव, पावे नहीं उपशम। अरे अभी कौन से कह रहे हैं ये बात कौन से कह रहे हैं? जो लोग स्वाध्याय करते हैं उनसे कह रहे हैं, जो स्वाध्याय नहीं करते हुए तो क्या है, उन्हें तो बेचारे को काय की आत्मा काय की ठंड क्यों होना कुछ खबर नहीं। तो ये स्वाध्याय करते हैं या जान कर भी, ये स्वाध्याय करके भी कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, जो जान करके भी कि जीव और अजीव भिन्न भिन्न है, जो स्वाध्याय करते हैं मैं सफल प्रकाशक हूँ ये आत्मा से देह भिन्न है, ये जान करके भी साता साता वेदनी की प्रकृति के उदय में कुछ खाना पीना भूख प्यास सामग्री मिलना नहीं मिलना, ये कर्मोदय की सामग्री, उन्हें सारी बातें जानने पर भी ऐसे लेना जान करके भी। यह जान कर भी मूढ़ जीव, पावे नहीं उपशम। उपशम समझ गए, दसम हुए की ममता नहीं होती है। सेव बुद्धि को पाया नहीं वो पर ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ बुद्धि को, सिर्फ बुद्धि समझ गए आत्मज्ञान, सिर्फ बुद्धि माने कल्याण, सिर्फ बुद्धि माने आनंद, आत्मज्ञान वेद विज्ञान, इस बुद्धि शिव बुद्धि के नाम है। शिव बुद्धि को पाया नहीं वो पर ग्रहण करना चाहिए। पर को पर अपनी पर का अर्थ बहुत बड़ा है, हर गाथा में बदले गए वे कहेंगे वह ना, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो आंगन टेढ़े की शिकायत कौन करते हैं? ना समझ जाने ऐसे आत्मा का अनुभव करने में जो असमर्थ है वे कहते कहा बताए, जो मंदिर में हम मन नहीं लगा तो कौन से मंदिर में जाने, वहां चले हमारी इच्छा। यदि तुम्हें आत्मा का अनुभव करना आता तो इस मंदिर में भी हो जाता, उस मंदिर में भी हो जाता, इस प्रतिमा के सामने भी हो जाता। कई लोगों की कसाय जुड़ी रहती ना कसाय, समझ लो वेदी प्रतिष्ठा के सामने हमने अपने भगवान की विराजमान करी और प्रतिमा विराजमान कराई, वो हमसे बहुत क्लेश हुए किसी का, तो हमारे क्लेश को बदला वो भगवान की प्रतिमा से निकाले। जी भगवान हम बिल्कुल अच्छी नहीं लगे प्रतिष्ठा के टाइम सुमन प्रकाश जी ने विराजमान करी, वो बहुत बेकार आदमी, उनसे हमारी बनत नहीं है, ये तो उनसे नहीं बना तो भगवान ने का बिगाड़ो। फिर से वेद विज्ञान करना नहीं आता तो यही कंप्लेन करती है, पंडित साहब 10 लक्षण पूजा लिखी है, 10 लक्षण पूजन, उसमें एक पंक्ति आई बहुत अच्छी, कोई बहाना नहीं बनाओ, कोई बहाना मत बनाओ, कोई बहाना समझ गए, कहा बताएं हम तो रोज सोच रहे थे आज खूब स्वाध्याय कर लें, इतनी ठंड पड़ रही थी तो हम स्वाध्याय कर लिए। कहा बताएं भैया हवा बिल्कुल रुक गई, ऐसी गर्मी पड़ रही, कहा बताएं तनक हवा चल जाए तो हम स्वाध्याय कर लें। सुना कोई बहाना मत बना, कहा बताया पैसा हो तो घर में तो हम भी खुद स्वाध्याय कर ले, बहाना मत बना। फिर से उधर से लगाना जरा, शिव बुद्धि को पाया नहीं भी बहाने मारते, शिव बुद्धि को पाया नहीं भी ऐसी पर ग्रहण करना चाहे, पर का मतलब समझे कंप्लेन, पर ग्रहण करना चाहे माने कंप्लेन, इष्ट है अनिष्ट है अनुकूल है प्रतिकूल है, आई बात समझ में रही। शिव बुद्धि, शिव बुद्धि बहुत बड़ा शब्द है, शिव बुद्धि को पाया नहीं, वेद विज्ञान की बुद्धि कहो, आत्मज्ञान की बुद्धि कहो, आत्माराधना की बुद्धि कहो, अपनी महिमा कहो,
अपनी महिमा नहीं आ रही, वही कंप्लेन करते फिरते भाई। अब सबके बाकी के नाम दिए हैं ना, तो आज अपन ने कल कहां तक ले लिया, गंध ले लिया था, आज रस का ले रहे। शुभ या अशुभ रस कोई भी तू चाख मुझको नहीं कहे। अब रस की बात आ गई, रस नहीं कह रहा। अरुजीव भी नहीं ग्रहण जावे, रसन गोचर स्वाद को। क्या कमाल है, आत्मा उसे जानने जाता नहीं है, अब वो कहता नहीं हमें जाना। ध्यान रखना, इतने दिन के प्रोजेक्ट में बार बार बात बार आ रही हूँ, जो अपने कार्य में आनंद नहीं करता, अपने विजन नहीं होता, जिनका साथ नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, अभी कहते जिनको आत्म कल्याण नहीं करना, उनको ये बातें सूझती है सारी सारी फालतू की। फालतू की मतलब अनुकूल प्रतिकूल। बच्चे को पढ़ना नहीं हुए, निकाना बजा रहे पड़ोसी लोग, हम क्या करेंगे, डीजे बज रहे, हम कैसे पढ़े। और परीक्षा हुए तो अब क्या करोगे, बोलो कल परीक्षा है, बोलो तो तुम डीजे को बंद करवा भी जाओगे, तो डीजे तो कभी बंद हुई ही नहीं। डीजे तो कभी बंद नहीं हुआ, तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना ये बता। बिहार के बच्चे एक प्रकार से सबसे ज्यादा क्या कहना चाहिए, सुविधा से रहित हैं, मैं उनको बहुत सुविधाएं नहीं, और कोई खराब शब्द हम नहीं बोलना चाह रहे इनके लिए, लेकिन सबसे ज्यादा आईएएस वहीं से निकले। सबसे बिहार से ज्यादा 99, 98 बोलो कितने नंबर है, और सब टैलेंटेड, सारे बड़े बड़े टैलेंटेड। क्यों, क्योंकि उन्होंने कंप्लेन नहीं करी हमेशा कहना है। हजारीबाग है वहां पर, हाँ हजारीबाग, बच्चा बच्चा छोटा से छोटा बच्चा फुल सब इंग्लिश बोलते हैं सबके। बोलो क्या आया वहां देख कर। तो क्यों, उसका कारण है उन्हें अपने बल पर करना है, उन्हें उसको उन्हें देने के ना। हम झोपड़ी में रह रहे, झोपड़ी में रह रहे तो हम क्या करेगा, कहीं रहो, कहीं जिन्हें पढ़ना है फिर वही शब्द दे रहे। उन्होंने बहाने नहीं बनाए, हमें ऐसा ही बताएं, पुण्य के उदय में बहाने बनाने की आदत पड़ गई। क्या बताएं, वो आज तक हाथ पैर दुख रहे, अब जैसे अभी 8 दिन विधान हो जी, 8 दिन सर, 9वें दिन स्वाध्याय नहीं हुई, कहे अब भैया 8 दिन थक गए ना, आराम तो करने, कहा भैया अब आपका आराम करने, 8 दिन आराम नहीं मिला, 8 दिन परम आराम के दिन थे, लेकिन बहाने बुद्धि होगी ना, बहाने बुद्धि। रात को 10 बजे नींद नहीं आ रही तो पड़ पे बैठी, अरे तो सुबह जल्दी उसने, अब देखो बहाना, सुबह जल्दी उठे बहाने, अभी सो जाओ, बहाने मत कर। तो यहाँ रस की बात आ रही है, अभी अपन रस को देखें, शुभ या अशुभ कोई रस, कोई रस, शुभ या अशुभ, कुछ सारे तो कल कर दिए थे रस के, तो दूसरी बात कर लें रस में। अब रस नहीं कह रहे पुद्गल का रस, रस का रस, रस समझते हो, आजकल मार्केट में बहुत रस है, काय को रस है, मौसम भी को, अभी तक बच्चा भी समझता होगा, आजकल मार्केट में बहुत रस है, बहुत रस माने खूब ग्राहक आ रहे, खूब बिक्री हो रही, खूब प्रॉफिट हो रहा। महिलाएं कहती हैं इन्हें तो बस पैसे ही पैसा को रस है, समझ गए, पैसा को रस मतलब, बोलो पैसा की रुचि, लगन सुनो, ऐसी जिन्हें शुद्ध चेतन की ही रुचि है, उन्हें रस में रस नहीं रहता। जिन्हें धन कमाने की रुचि होती है, धन कमाने की रुचि, हमने देखा है मार्केट में, जब दुकान पे जाते थे लगे रहते थे व्यापार में, वो काम करने में तो चाय पिलाना पड़ती ग्राहक को, कई बार तो सेठ जी को भी पीना पड़ती, तो आ गई और रख ही रही हो, लगे ही रहे हमें, और ठंडी हो गई, और भी सब ग्राहक ने तो गरम गरम पी, और सेठ जी ने वो रखी रही, इतने आ गए होटल वाले, सेठ जी बर्तन वो क्या कहलाते कप गिलास खाली हो गई, एक सेकंड भी वो पैसा तो पूरे देने पड़े,
आप अच्छे कहना है वो कमाने की रुचि में ठंडी चाय का कंप्लेंट नहीं है, गर्म चाय की अपेक्षा नहीं है, मिले तो ठीक नहीं मिले तो ठीक। घर में भी भोजन करने जाए तो पत्नी कहते जरा गम तो खाओ, हम रोटी कर कर ही करते रहे, शक्कर से खा ली गाय, एक दही से भी खा ली, एक जरा नमकीन से खा ली, है तो खावे भी पड़ रही, अब खावे भी पड़ रही खुआवे भी पड़ रही, तो ये भोजन दिख रहा है हमें। बोलो इसको कहते हैं रस, रस समझ गया रस। सुनो अब तुम दिगंबर मुनि राजा को पहचानो जिन्हें शुद्ध चेतना का रस है, इसलिए ठंड नहीं दिखाई देती। बाने मारने वाले ठंड का नाम लेते हैं, मुनि राजा को काय की गर्मी काय की ठंड, उनका काय का व्यापार चलता है, तुम्हारा तो चलता है सो और सो भावों से, मेरा व्यापार चला करता और उनका शुद्ध 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 आनंद आनंद आनंद। जैसे जैसी सगाई हो गई हुई भले वो दुकान पर बैठा हो कहीं बैठा हो, ये को पूरे शरीर में खून दौड़ा जा रहा है, सगाई हो गई सगाई हो गई, परो जाने बरात परो परो परो, एक महीने बाद जाने, माने उसकी तो धुन एक ही है बस, उसकी धुन तो एक ही है बस। ऐसे ही मोक्षगामी जीव हो तीन कसा चौकड़ी अभाव में दिगंबर मुनि भगवान वो धुन रस चंदेरी मनमाला रहे जी दे कहीं रहे आत्मा तो अब जी है रस। जब तक रस नहीं आता अब रस आए कैसे, तुम अपने को भगवान समझो तो रस आए, भगवान बनने का मन हो तो रस आए, और नहीं तो कार्यक्रम को ये तो फिर वो पहले दिन कह दिया था अब हो जाए ये कार्यक्रम अच्छे से निपट गया भाई क्या ठीक है बेटा, वो कचु कम ही पड़े तो हमसे ले लियो, तुमसे कहा ले लियो तुम हमसे ले लियो उल्टा लेने का समझ में आया मतलब, तो शुद्ध चेतना का रस लो भगवान बन जाओगे तो अनंत काल जन्म मरण नहीं होगा, देह नहीं मिलेगी, 84 लाख की ऐसी गंदी गंदी गतियां नहीं होगी। और हम तो कह रहे जैसे अभी भी रुचि नहीं लगे तो लिखो हमें 1000 बार सुअर बनने तैयार, सोचो और देखो एक आध दिन ट्रेनिंग लो वहां से सुअर से कि हम तुम्हारी पर्याय में आएंगे तो कैसे रहेंगे, एक दिन भाई भाई के संगे घूमो, एक दिन मेंढक के संग घूमो, एक दिन दिन भर स्पाइडर को देखो, खबर पड़ जाएगी हो यहां से हम नहीं रह सकते, नहीं रह सकते तो एक ही रास्ता है नान्यथा साध्य सिद्धि। क्या बोला नान्यथा साध्य सिद्धि, शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है देखो आनंद का, उसका रस आने पर रस नहीं दिखाई देता। कि तुम्हें लगता है कड़वे रस हमें नहीं खाना है, हमें मीठा रस पीना, कड़वे मीठे के भेद तो मुनिराजों को नहीं, क्यों नहीं है मुनिराजों को, क्योंकि उन्हें तो चेतना का रस लगा हुआ है। तुम्हारी तरफ से दृष्टान्त दे रहे तुम्हारी तरफ से बोलो जिसे स्वस्थ होने की गरज गरज ओ ध्यान रखना गरज, पंडित साहब से सुना था हमने ये गर्जी का मार्ग है मर्जी का नहीं, स्वच्छता से नहीं मिलेगा ये मार्ग, मर्जी से नहीं मिलेगा, गरज का मार्ग है गरज, तो गरज में दृष्टान्त दे रहे हूँ तुम्हें, गरज है कि हमें स्वस्थ होना है और तुमने डॉक्टर के पास गए तो तुम शर्त लगा पहले सुनो डॉक्टर साहब पहले हमारी शर्त पैसा चाहे जितने ले लियो लेकिन मीठी मीठी दवाई चाहिए और सुनो घी बंद मत कर दियो हमारा, सुनो खीर तो हम जरूर खाएंगे चाहे कच्ची हो जाएंगे। बोलो बोलो कौन कौन में हिम्मत इतनी जिन्हें स्वस्थ होना हो डॉक्टर के पास जाकर शर्त लगाए, बोलो बोलो कि तुम जितने पैसे चाहिए उतनी फीस देंगे लेकिन तुम जे नहीं बंद करोगे। बोलो सुनो जैसे गरज होती है ना तो डॉक्टर के पास जाकर शर्त नहीं बचती, ऐसे शुद्धात्मा के अनुभव करने वालों को शरीर की कोई शर्त नहीं होती। अब बता तुम बताओ मुनि कैसे बन जाए, ढंग को भोजन तो मिला या नहीं मिला, ठंडी रोटी खा रहे ठंडी दाल खा रहे ठंडी सब खा रहे, कब ढंग की तो खाएं कि नहीं खाएं कि भाभी ढंग की नहीं खाएं। 24 घंटा जो महिला करती है ना व्रत पर उनके मुंह पर एक बात आ ही जाती है जो खास ज्यादा करती हूँ पता नहीं हमें कम ज्यादा, लेकिन अब 24 घंटा में एक बार जी ने तो ढंग से खाएं कि नहीं खाएं कि भाभी नहीं खाएं, रविवार के दिन ठंडो भी खाने हो और नमक भी नहीं डालो हो और घी भी नहीं हो शक्कर भी नहीं हो गुड़ भी नहीं हो दूध और नहीं खीर नहीं, अब तब क्या खाएं मर जाएं। सुनो पहले वेद विज्ञान करो, इसके सिवा नहीं समझ में आएगी बात नहीं आएगी,
वेद विज्ञान करे बिना समझ में नहीं आएगी। गर्जी 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 गर्ज, समझ गए। यदि हम अभी तुम में स्वस्थ व्यक्ति में से किसी से कहें ना तुम कीमोथेरेपी करा ली, पैसा हम दे देंगे, पैसा हम दे देंगे, थेरेपी तुम करा ली, वैल्यू फ्री में तुम्हारा हो जाए, जित तो खर्चा हुई हम उठा लेंगे, एसी में का कहना तो आईसीयू में वेंटिलेटर पर पूरा खर्चा हमें तुम फ्री में दे ले। हम 1 करोड़ रुपया भी देंगे ना तो कोई थेरेपी रहता ही जान नहीं मिली है, लेकिन जब जब तकलीफ होती है ना तो थेरेपी को भी तैयार होता है, तो सब बताता है बाल गिर जाएंगे, भुवें के बाल गिर जाएंगे, जे गिर जाएंगे, सारे रोम झड़ जाएंगे, और सुनो अंदर अंदर आग लगेगी, ओ ऐसा होगा, वो सब पे तैयार हो जाता है। सुनो रात रात भर नींद नहीं आएगी जब थेरेपी लोगे तो सब तैयार हो जाता है। कुछ कहें भैया कुछ, यदि शुद्धात्मा का अनुभव किया होता तो ऐसी तकलीफ काबू होती, काबू तुम्हें रात रात भर जगने वाली बीमारियां होती। इसलिए स्वाध्याय में लगना चाहिए, निर्णय करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। पढ़ना नहीं कह रहे हो, पढ़ना नहीं कह रहे, ध्यान रखना, पढ़ना नहीं कह रहे, स्वाध्याय का नाम पढ़ना नहीं, पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं कह रहे हो, निर्णय करना चाहिए। रुद्रमणि साहब लिखा, ओ इसमें तो हमारा ही हित भाषित होता है, गुरु का क्या जाता है, अनंतों का क्या जाता है, हमारा तो हित भाषित होता है। भजन में गाते हो, मेरी बिगड़ी सुधरती है तुम्हारा क्या बिगड़ता है, तुम्हारा क्या बिगड़ता, हमारी तो बिगड़ी सुधर रही, आया समझ में आ रहा भैया, खूब गजब है रस। चले आगे, रस के बाद आया स्पर्श, छूने का बता दिया, थोड़ा सा सारा ठंड गर्मी बरसात, एक बार बहुत ठंड थी ऐसे दिसंबर जनवरी का महीना होगा, बहुत ठंड थी भोपाल में, और ओले भी गिर गए, ओले भी गिर गए, अब कोई सड़क भी कदुका बहुत ही कम आया, तो हमारे मन में आया आज विद्यार्थी तो आए नहीं होंगे, इतनी ठंड में कौन आएगा विद्यार्थी, तो अपन भी नहीं जाए, कई प्रोफेसर नहीं जाएंगे, कौन जाए, कौन कोई हमारा कोई जिस ग्रेजुएट पोस्ट होती है उसमें कोई सिग्नेचर तो होते नहीं, कोई जाओ मत जा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, हमने सोची मत जा, हम मंदिर से लौटते लौटते आए, रास्ते में हमने देखा बेचारा दूध वाला दूध बेच रहा है, सब्जी वाला सब्जी ला रहा है, क्या कहलाता वो अखबार वाला अखबार बांट रहा सुबह 5 बजे से। ये मैंने कहीं बता लो, अपन बेईमान हो रहे हैं, धर्मात्मा हो गए अपन, अपने भी तो जाना चाहिए, जे सब कर रहे तो अपने को भी तो जाना चाहिए, नहीं आएंगे विद्यार्थी इससे क्या लेना देना, अपने को तो जाना चाहिए। फिर हम पहुंचे, पहुंच गए, नहीं आए थे 15-16 प्रोफेसर आए थे 100 में से, तो प्रिंसिपल तो बैठे थे चैम्बर में, उनके पास गए बैठे, बच्चे तो आए नहीं बैठे, क्यों जैन साहब आप क्या से आ रहे, क्योंकि उन्हें भी अचंबा ही था ना, कोई आता आए नहीं था तो तुम कैसे आए, तो हमने एक ही बात कही यही वाली बात, मैं सर मैं तो इसलिए आया, ये तो मुझे भी मालूम था कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं इसलिए आया कि दूध वाला आ रहा है, अखबार वाला आ रहा है, रेलगाड़ी रात को चल ही रही है, हवाई जहाज उड़ ही रहे हैं, बसें रात भर चल ही रही हैं, भी नहीं चल रही सर, सब चल रही है, जब सारी दुनिया सारी प्रकृति अपना काम कर रही तो हम अपना काम से क्यों मुंह मोड़े, इसलिए हम भी आए, हम 3 घंटे बैठे कोई बात नहीं, भले हम कॉलेज की किताब पढ़े अपनी किताब पढ़े कुछ करें करेंगे, दृष्टान क्या कह दिया, ये बहाना मत बनाओ, काय के लिए कहा दृष्टान, अपनी स्वाध्याय करने में बहाना मत करो, पूजा पाठ में बहाना मत करो, थोड़ी देर पहले कई बार स्वाध्याय अकेला पढ़ने का नाम नहीं है, निर्णय करने का नाम, निर्णय करो ना, ध्यान रखना भैया, चाहे जितनी स्वाध्याय करो चाहे जितना ध्यान करो, लेकिन जब तक निर्णय नहीं होगा समय वैसा नहीं होगा, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है, पहला पुरुषार्थ है, सुन रहे भैया, पढ़ लो हमने इतने पढ़ लिए, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, निर्णय निर्णय में अब आगे बोलो, निर्णय का फल क्या आना चाहिए, अपनी महिमा, अपनी महिमा आना चाहिए। ये समय कहना अपने राजमी जी पवैया जी ने, उन्होंने तो भजन ही बनाया, ये समय सार बनाया
गया मेरे लिए। ए प्रभु का समोसरण कौन के लिए लगाएंगे? माई भगवान के समोसरण माई भगवान के लिए लगाए। ये विधान रचाया गया है मेरे। यदि आपको अपने से जुड़ा लगेगा तो इतना आनंद आएगा, ये जैसे तुम्हारी सगाई शादी को मंडप बने तो कैसा लगेगा? तो ऐसा लगेगा अरे आज 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 हम समय दर्शन करने रहे अपनी महिमा आ रही। स्पर्श स्पर्श भी नहीं किया था तू मुझे स्पर्श का अर्थ उसी अर्थ से लेते जाना। पंडित साहब ऐसे कहते हैं जिनका उपयोग आत्मा में नहीं होता ना उन्हें ठंड लग रही है। जिनका उपयोग आत्मा अब जैसे तुम काम में लग जाओ सही बता ना सुबह 4 बजे उठ सका बिस्तर में से तो क्या लग रही है जितनी ठंड लग रही है ठीक और सही बता ना और जितने लोग निकले आप बिस्तर में फौरन ठंड लगे पूछ लो महिलाओं से 4-5 बजे उठ गई जितने बजे भी उठ गई फिर आखिर तो कपड़ा उपड़ा झाड़ू पोछा जी वो उन्हें तो कपड़ा धोने सब कछु करने हमें कितने गर्म पानी में धो कपड़ा क्योंकि हाथ तो ठंडी होता ही है तो क्यों तो ठंड लगती है पूछे ना यदि सवेर ठंड लग रही होती तो भूखे मर जाते रोटी ना मिलती तो जी उपयोग उपयोग कहां लगाया प्रश्न ही है। ठंड एक कहावत है खाली दिमाग सेहत ऐसे जिस उपयोग में खाली दिमाग माने जिस खाली उपयोग में जिस उपयोग में ज्ञायस नहीं होता अपना प्रयोजन नहीं दिखाई देता रत्नत्र की खुमारी नहीं होती मोक्ष मार्ग में बढ़ने का उत्साह नहीं होता वह ठंड लगाए उन्हें तो देखो जिनको काम होता कितने उल्लास से करते थे पता नहीं अभी मकान मजदूर बनाए वाले हैं जी क्या कहने बताओ और इस समय खेतों में रक्षा करना पड़ती खूब इतनी ठंड में रात रात भर पानी देने हैं इतनी इसी ठंड में रात को पानी देने रात रात भर जग करके फूस की रात कहानी है फूस की रात फूस की रात पड़ी पढ़ लेना आज हमारे पास आके फूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है फूस की रात बाहर पढ़ के हमें ठंड लगने लगी माने उसका इतना अच्छे से वर्णन किया है उसने इतने अच्छे से वर्णन किया है फूस की रात का कि हड्डियां कपा दे ऐसी ठंडी और रक्षा करना पानी देना है। सुनो जिन जिनके पास लक्ष्य होता है उन्हें ठंड नहीं लगती उन्हें गर्मी नहीं लगती उन्हें भूख नहीं लगती उन्हें प्यास नहीं लगती खाली दिमाग समझिए खाली दिमाग अपने ज्ञान में ज्ञाय का अनुभव करो मात्र अनुभव शब्द नहीं है जी शब्द करोगे तो नहीं समझ में आई कभी दिक्कत जी अजय भाववाचक प्रयोजन समझाना बड़ा कठिन है बहुत ही कठिन है जी भाववाचक अभी शादी ब्याह की दृष्टांत झट समझ में आ जाते वो ज्ञान में ज्ञाय की खुमारी अनंत काल का सुख अनंत काल का तिंद्रिय आनंद फिर जन्म मरण नहीं होगा वो बात ही कुछ अब कैसे दिखाए वो उसका आनंद होगा तब जिस तरह शिकायत नहीं भूख लगती है कितनी बार भूख लगती है तुम्हें क्यों डर नहीं जितनी वाले बताओ कितनी बार लगे भूख बोले बोले है 5-6 बार लगे पक्की 6 बार को नियम ले ले 6 बार को नियम ले लो कोई दिक्कत नहीं 6 बार रोटी खा ली खूब बार बिल्कुल नहीं यदि बच्चा क्रिकेट खेल रहा हो सुबह 6 बजे से तो 12 बजे तक कछ ना खाएगा वो ये जीत रहा हो सेंचुरी मार रहा हो तो 2 बज जाए है वहां पूरा दान दे के जाओ आज 300 सेंचुरी मारने में 26-26 छक्के मार चुके हैं अब सोचो जो खुमारी में डूबा है क्रिकेट की खुमारी में अम्मा चिल्ला चिल्ला कह रही रोटी खा ले रुक जाओ आउट तो हो जाए हम आज मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं अभी तक आउट नहीं हुआ 250-300 रन बन गए मेरे मुझे से जो खुमारी चढ़ रही खेलने की सही बता नहीं ईमानदारी से कितनी बार खाओगे अब एक काम करो इसी बच्चे को सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ये कहो कि तुम्हें करना कुछ नहीं है करना कुछ नहीं बस रसोई घर में बैठे रहो केवल बैठे रहो बस और कुछ नहीं करना बैठने तुम्हें कुछ नहीं करना पता नहीं कितनी बार खाएगा बता सकते रोने लगे हो मेरी मम्मी नहीं देगी ना तो रोने लगे हमको भूखे मारे मरे जा रहे तुम्हें दया नहीं आ रही
छह से बारह क्रिकेट खिला रहे हो, कुछ नहीं खाएगा, और छह से बारह चौका मिटा रहे हो, ना रो रो के लड़ाई हो जाए तो क्या देना। अब तो कितनी बार था, अब भैया तो खा रहे दही थी, अब भगवान तो मिठाई नहीं थी, अब भैया तो कितनी बार देते हैं, वो क्या करो, खाली दिमाग समझिए, खाली दिमाग को भूख लगती है। ओ जिस ज्ञान में मोक्ष जाने का बहुत बड़ा काम हो, उन्हें भूख प्यास की नहीं सता दी। डॉक्टर साहब ने पंच कल्याणक प्रवचन करते समय कहा था, केवल ज्ञान कल्याणक के दिन आहार की जब चर्चा करते ना, आहार की मुझे की आहार दान का समय होता है, उस समय एक बात कही थी, हमेशा ही कहते हैं, यहां भी कही थी खरिया नाना, दिगंबर मुनिराज खड़े खड़े आहार क्यों लेते, कि पेट में फुर्सत ही नहीं है। खड़े खड़े आहार क्यों लेते, बोलो तुमने परीक्षा देने गए कभी 7 बजे? आपने कोई 7 बजे परीक्षा देने गया? सुबह सुबह 7 बजे आम्मा कहेंगे अच्छे से बैठ जा, अच्छे से गर्मा गर्म चाय पी ली, जो जो कछु दे रही है नाश्ता कर ली, तना सेव नाश्ता मिठाई हलवा जो कछु, वो अभी पेट में ऐसा ऐसा हो रहा भाई, बैठ के खड़े खड़े जिन्हें अपना प्रयोजन होता है उन्हें कहां बैठना ही फुर्सत है। अब एक ही लाइन कहते सारांश की, बहुत अच्छी सारांश की, यदि तुम्हारे चित्र में बहाने हो तो समझना तुम्हें आत्म कल्याण की गरज नहीं है। यदि तुम्हारे चित्र में बहाने हो, कौन से बहाने, पांच इंद्रिय संबंधी, पांच इंद्रिय संबंधी समझ गए, खावे तो ढंग को मिले, देखवे तो अच्छे मिले, सुनवे तो अच्छे मिले, हमें तो बात उपवास कर रहे जब जाने कोई नहीं, एक जने ने प्रशंसा करी हो, बड़ी आभार है। यदि अपन 10 दिन का उपवास करें और पूरी खनिया दाना के लिए लोग जीते और हर बार कान में एक ही बात कहें, क्या उपवास करे 10 दिन के बाद, यहां से फूल का कुप्पा हो जाता आत्मा, जैसे पूरा फल मिल गया हो। और कल्पना करो 10 दिन का उपवास करा और लोग एक जने कहें इसने 10 दिन का उपवास, तो कथरिया ही करी सब ना करी, दूसरे से कही इन्हने 10 दिन का उपवास करा, हाँ जड़ भी गिर गया, कर नहीं पा कुछ नहीं, अंदर से याद रहे हमने कहा भी कर ले 10 दिन के उपवास, जैसे तुम करते ही नहीं तो ही अच्छे रहते, एक तो जी लोग मजा उड़ा रहे हमें चिड़ा चिड़ा के मर्ती खा रहे। एकदम उपवास करा, मैंने वो कितनी तकलीफ उसको, हम फिर कह रहे इसका मतलब तुम्हें मोक्ष मार्ग का स्वरूप नहीं मालूम, बस इस गाथा में यही समझो, मोक्ष मार्ग का स्वरूप यदि मालूम होता, स्वरूप समझने में चेष्टा करो, अन्यथा ये दोष मिटने वाले नहीं। फिर पहले दिन वाली बात पहले हो, हम भले ये कहते रहे हमें राग द्वेष नहीं करना है, हमें इष्ट अनिष्ट नहीं करना है, हमें शुभ अशुभ में भेदभाव नहीं करना, लेकिन वो हुए बिना स्वरूप समझो और कोई रास्ता नहीं। स्पर्श, अब अगला है गुण और द्रव्य, गुण और द्रव्य की चर्चा ली, कोई भी गुण, कोई भी पुद्गल द्रव्य, कोई भी द्रव्य की गुण ले लो, पुद्गल द्रव्य की गुण विशेषताएं, कोई गुण अच्छा और कोई गुण बुरा, ये विचार करने राग द्वेष है क्यों भाई, इसको दृष्टांत दे रहे थोड़ा सूक्ष्म करें, बोल भाई रसगुल्ला बढ़ गया कि करेला अच्छा। अब करेले का एक गुण, उसकी वजह से तुम्हें ऐसा लगा, गुण है वो, क्या कह रहे हो, करेले का गुण है औषधि है, रसगुल्ला खाने खाते रहो रो जाओ जल्दी सो रसदार जाओगे, और करेला खाओगे तो देर तक स्वस्थ रहोगे, कहने की बात नहीं, एक गुण अच्छा लगता है एक बुरा लगता है, बताओ भाई सर्प कैसा है, एक गुण बुरा लगता है उसका, जहर है उसमें, अरे जहर है तो तुम्हें खाने थोड़ी आता है, वो तो अपनी रक्षा के लिए है, उसका जहर कहा के लिए होता है, वो डसने के लिए नहीं फिरता वो किसी को, केवल आत्मरक्षा के लिए, तुमसे बढ़िया है वो, लेकिन हमें वो सर्व, हमें सर्व को नाम आ, वो एकदम जैसे को उसके बिल्कुल जल्लाद, ये दृष्टांत दे रहे जैनी तेरे जल्लाद नहीं होते, फिर भी कह रहे भाई नाम सुनते से घबराहट लगती, का ही घबराहट, कोई गुण सो और अशो ये नहीं कहता कि तुम हमें जानो,
जब भी हम जंगलों में जाते हैं, समय शिखर जी वगैरह जंगल में जाते हैं, तो संग जाने वाले व्यक्ति घबराते हैं। कई बात से घबराते, सांप आगा तो इतने घनघोर जंगल में सांप आ गए तो तुम्हें सांप तो कहीं भी आ सकता, आयु पूरी होनी होगी तो वो तो कहीं भी आ जाएगा, उसमें क्या है। तो हम उनसे कहते इसी स्थान पर देखो मुनिराज कैसे शांति से किसके बल पर विराजे रहते होंगे, मैं ऐसे देखते होंगे ऐसे देख सकेंगे सांप तो नहीं आ, क्या करते होंगे कैसे निसंग विराजते होंगे। मैं गुणों का विचार वे तो नहीं कह रहे तुमसे, तो हमने बहुत समझाया, बहुत बहुत मजा आया समय से करती हम ये सुनो तुमसे तो जानवर अच्छी यहीं आराम से घूमते रहते, आयु पूरी होती है मर जाती है, इसके पहले तक तो घूमते ही है ना सारे सारे कि सब एक संग मर जाते हैं सांप से जंगल में, क्यों जंगल में कोई जानवर नहीं रहते हैं, हर चीज में लगा ना ठंड गर्मी की चिंता कर रहे, तो ठंड में बंदर रह रहा कि नहीं रह रहा वहीं, और भी रह रहे कि नहीं रह रहे। अभी हम नेचुरोपैथी की तो नहीं कहेंगे तुमसे, अभी ज्यादा नेचुरोपैथी तो बहुत ही बढ़िया कहती है जो जितनी ठंड सहने की शक्ति रखता वो उतनी गर्मी सह लेता है, और जो जितनी गर्मी सह लेता उतनी ठंड सह लेता है, जो पशु पक्षी ऑटोमेटिक सह लेते हैं उन्हें पता नहीं लगता कुछ, हमें जितना पता लगता है, क्यों हम ठंड में भी ठंड नहीं सहना चाहते हो, गर्मियों में गर्मी नहीं सहना चाहते, इसलिए बरसात में निकलने से डरते लोग, अम्मा जी के थी पानी में निकल गयो मत कहे ठंड गर्मी में निकलो सीखो ही नहीं, तो बरसात में कैसे निकलो बेचारा मोड़ा। हमारे कमजोर के सबसे कमजोर प्राणी का नाम है मनुष्य, विश्व में सबसे ज्यादा बीमारी मनुष्य को होती है 84 लाख, एक नारियों को होती है, सब नारियों को तो इलाज नहीं है इसलिए हम नारियों की बीमारी को बीमारी नहीं कह रहे हैं, नारियों को पूछ लेना भाई कितनी बीमारी नहीं मनुष्य सबसे ज्यादा बीमार है, रोम रोम क्यों, उसे कारण ही है इसके पास सुविधा है, ये उन सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहता, मतलब इतनी ठंड में भी इतने इतने से बच्चे चिड़ गया गई और कुछ नहीं है उसके बाद, और ये बर्फ गिरी बर्फ तो वहां चिड़िया के बच्चे नहीं रहते, इतने इतने से बच्चे कुत्ता कुत्ता के पिल्ला घूम रहे फिर रहे पूरे में मर गए सब मर गए। बोला तुमने जी जरूर पढ़ा होगा इतने आदमी को हार्ट अटैक आ गया कल ठंडक में पढ़ा होगा आपने, ठंड आई तो ठंड के कारण इतने लोग मर गए, गई क्या तो नहीं मारी ठंड से तो नहीं मारी, बात उधर की नहीं कहना, हमें ये कहना है आप इस आत्मस्वरूप में रमते हो, कसा कम होती चली जाती है मिटती चली जाती है, इधर से शक्ति सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है, और प्रकृति में शरीर में कुछ नहीं होता, आप पढ़ लेना भैया हमारी हमारी नहीं माना तो डॉक्टर भी पढ़ लेना एलोपैथी वालों ने, पता है क्या लिखा है एलोपैथी वालों ने, जिसको तुम्हारी भाषा में कहते हैं तुम्हारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है जानवरों के बारे में नहीं कहेंगे लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, मनुष्य के बारे में कहेंगे लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, क्यों खाना पीना की लाइफ स्टाइल गलत, फिर कपड़ा ओढ़ना खूब बिछाना, और हम तो जरा कपड़ा नहीं पहने तो लोग अभी पीछे पड़ जाए इसलिए हमें पहनना ही पड़ेगा, झटके लगी कहते हैं तिबाई की पहने कहा ठंड नहीं लगी, ठंड लग जाएगी कहां लग जाएगी ठंड कहां लग जाएगी, कल्पनाएं हैं सारी सारी। खैर अद्भुत मार्ग है, इतना जानने पर भी फिर ऐसे द्रव के बारे में लिया है, कोई भी द्रव उसे देख करके उसको नाम जान करके उसकी जानकारी लेकर जी शुभ है जी अशुभ है जी गलत है जी सही है कोई गलत सही नहीं, द्रव के नाम पर क्या ले लेने जी, मूल में तो पुद्गल स्कंद, मूल में तो पुद्गल स्कंद, बहुत कल्पनाएं चलती हैं वास्तु के नाम पर, वास्तु के नाम क्यों मकान को आजार अमर बनाए रखने के लिए क्या टांग लेना चाहिए नाम मकान के सामने क्या टांग लेना चाहिए बता, आजार अमर अखंड बनाए रखने के लिए मकान, और बोलो और क्या क्या टांगना चाहिए तो अजर अमर हो जाएगा, ऐसे कल्पना कर लीजिए ये द्रव्य खराब ये द्रव्य अच्छा कुछ नहीं है, कौन कह रहे कौन कह रहे
हमें बुखार आ गया, मलेरिया का बुखार, एक दिन करके से एक आदमी बोला 100 बार चप्पल को प्रणाम करो सही हो जाए, 100 बार नहीं 7 बार, 7 बार मैंने बहुत बढ़िया जो ही काम तो बचा। कैसी कैसी कल्पना है देगा। खैर समझ में गाता हूँ भाव पूरा पूरा, बस कुल मिलाकर ये आत्मा का निर्णय करो, आत्मा परमात्मा तत्व है, आप सब परमात्मा हो, अनंत गुण अनंत शक्तियों के भंडार हो, और इतनी शक्ति है कि पल भर में सम्यक दर्शन ले लो, अनंत का जन्म मरण नहीं होगा, इतनी सुंदर चर्चा है, ऐसा जानकर आनंदित हो जाओ, मुदित था मुदित था। सुनो मत, क्या कह रहे सुनो मत, मतलब मां से सुनो मत, चलो होकार के हमें सुन लो, चलो पंडित जी घड़ी देख रहे हो 11 बज गई, तुम जाने कि नहीं जाने, सुनो मत, अपना तो के साथ समझो, निर्णय कराओ, तब तक निर्णय करो तब तक जब तक तुम्हें अंदर से ऐसी खुमारी नहीं चले, ओ हम मोक जा रहे, हम मोक जा रहे, ऐसे समय सीवा जी की टिकट बन जाए तो क्या मतलब, वो झलकत कहा गया भलो भाव क्लास हो तो छलकत है, यहाँ से समय सीवा जी जिसका टिकट हो रिजर्वेशन है, शाम को सुबह दोपहर में दोस्तों से ग्राहकों से रिश्तेदारों से फोन पे, और आजकल का हाल चाल है बस समय से जा रहे अच्छा लग गया। मैंने कहीं हो ऐसे हम मोक्ष जा रहे हैं, विधान का फल क्या है, हम सम्यक दर्शन के अधिकारी हैं, अब हम मोक्ष जा रहे हैं, हमें मिल गया वो काम जो हमें चाहिए था, जिसे हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया, भगवान वो हमें ही है, अपनी महिमा आ गई। पंडित साहब की रचना है तो कर जाए, यही रूप मेरा, इस एक लाइन के बाद दूसरी लाइन जाने की इच्छा ही नहीं होती, यही 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 रूप मेरा मुझे आज भाया महानंद मैंने स्वयं, कहाँ पाया महानंद, कहाँ पाया महानंद, महानंद कहाँ पाया, जय अपनी महिमा। आज अद्भुत छवि ने निहारी, उसका अंतिम क्षण की लाएंगा निज, क्या है आज क्या है, निज ही सर्वोत्कृष्ट सही है, कामना नहीं कुछ रही है, काम नहीं नहीं बची, समझ में आने के बाद जी आनंद, समझने में आने का धन्य अवसर प्रभु आज आया, आज आ गया मुझे निज का महात्मा दिखाया, ढूंढो कि वो दिन कब आएगा जब ये 2 लाइन अपने अंदर से निकलेंगी अपने आप, मुझे निज का महात्मा दिखाया, निज ही सर्वोत्कृष्ट सही है, कामना नहीं कुछ रही है, वो 2 दिन ये 2 पंक्ति वाली धुन कब आई, जिस अपन पढ़ के गा रहे पंडित साहब की तो उधार की चीज लग रही उधार, अच्छा अभी पंडित जी हो, अच्छा बीत रहा पूजन हो, सही में जैसे क्या कहलाती वो परायापन, परायापन होता है ना परायापन, अच्छा हो पंडित जी की रचना हो, हो अच्छा बीत रात पूजन, अच्छा और कोई अपने घर से कह रहे हो तो आचार्य ने कही निश्चय से कही शास्त्र में लिखी, सही बात है बाहर इतनी परायापन जी, परायापन अपने पन से पंक्तियां कम गुनगुनाई। एक पंक्ति और गाने की इच्छा हो रही, शांत छवि प्रभु के ना शांति, प्रभु शांत छवि तेरी, इसमें एक ही पंक्ति बहुत जोरदार है, अंतर में प्रभु तमेरे निश्चय प्रतीति आई, क्या गजब है, रुक जाओ बस रुक जाओ रुक जाओ, सो जो का कह रहे
सर्वोत्, पंडित साहब ने ये शब्द का बहुत प्रयोग किया, सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट, कितनी रचनाओं में देखना सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं न जाऊं। हर जगह रिवाज सर्वोत्कृष्ट, एक बार तो रुक कर विचार कर, एक सही है कि झूठ कह रहे, कहे ऐसे प्रवचन हो रहे, ठीक है भाई क्या पंडित जी हैं ग्रंथ में लिखी है सो कह रहे, चलो भाई क्या दुकान जाने, अनंत काल की दुकान बढ़ जाएगी। आह करना भाई विचार करना, ओम नमः शिवाय।